वेलकम बैक टू द फिजिक्स चैनल एंड आज के इस वीडियो में हम न्यूटन्स लॉज का एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं. वी बीन डूइंग दैट नाउ फॉर ऑलमोस्ट अ वीक और सो. तो हफ्ते भर से हम न्यूटन्स लॉज अप्लाई कर रहे हैं रिजिड बॉडीज के ऊपर और वही अभी भी कंटिन्यूड रहेगा. इसके काफी रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है तो आई वांटेड टू कवर अ फेयर रेंज ताकि आपको अच्छा एक्सपोजर मिल पाए इन एप्लीकेशंस का, वेदर इट इज नीट और जेई और व्हाटएवर एग्जाम यू आर टेकिंग. आप लोग ये तो शायद अब तक समझ ही गए होंगे कि मेरा जो टीचिंग है इट इज एग्जाम इंडिपेंडेंट. आई एम नॉट रियली into preparation of one particular exam or the other particular exam. I'm into teaching of physics. आप physics समझ लीजिए, exam सारे हो जाएंगे. तो that is my philosophy. अगर आप physics को enjoy करके पढ़ते हो most exams will be easy. तो खैर anyway, हम आते हैं अब Newton's laws के applications के कुछ और examples पर. अब तक हम पढ़ते आए हैं Newton's laws के कुछ एग्जाम्पल्स, दो तीन एग्जाम्पल्स हम कर भी चुके हैं. रॉड का एग्जाम्पल किया है, पुली पे मास टंगा है वो वाला एग्जाम्पल हमने किया. सो वी हैव डन अ कपल ऑफ फेयरली इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स. आज के वीडियो में हम थोड़े और कॉम्प्लेक्स वाले एग्जाम्पल्स लेंगे जो देखने में कॉम्प्लेक्स लगते हैं लेकिन इनका सॉल्यूशन लगभग वैसे ही होगा जैसे कि पिछले दो तीन एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन हुआ है. तो एज सच कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है. मोर और लेस हमें वही प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं, लगभग उसी तरीके से अप्लाई करने हैं. बहुत अंतर इसमें तो नहीं आने वाला है. सो कोई भी और टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल. इसमें हम फिर रॉड वाला ही एग्जाम्पल ले रहे हैं. एक कुछ दिनों में तो शायद आप लोगों को रॉड के बुरे बुरे सपने आएंगे, रॉड से पिटाई होने के या समथिंग लाइक दैट. सो लेट्स टेक अप अनदर एग्जांपल विद ए रॉड इन इट. तो हम एक रॉड को कंसीडर करेंगे. इधर एक ये रॉड है, दिस इज रॉड हियर. इस रॉड का मास m है और लेंथ हमें बताई गई है L, राइट. तो मास इज M एंड लेंथ इसकी L है. तो M मास और L लेंथ की ये रॉड है. I have to adjust the autofocus because ये कभी बोर्ड दिखाता है, कभी मेरा चेहरा दिखाता है. बोर्ड दिखा भाई. तो I guess they had a special software in the cameras, in the camera apps for teachers so that the camera keeps focusing on the board entirely. Of course, I can always adjust the exposure manually. Anyway, तो ये एक rod दी गई है और इस rod का mass मान लेते हैं M है और length L है. M mass और L length की ये rod है. ये सेंटर पर हिंज्ड है, यहाँ ये हिंज की गई है. और हिंज जो है इसके बारे में आप ऑलरेडी अब समझते हो, जानते हो कि हिंज जो है वो फिक्स रहती है, वो पॉइंट फिक्स रहता है जहां बॉडी को हिंज कर दिया जाता है और उस पॉइंट के अबाउट एक प्लेन के अंदर रोटेशन पॉसिबल होती है. तो यहाँ जो ये बोर्ड का प्लेन है इस प्लेन के अंदर रोटेशन अलाउड है लेकिन बोर्ड के प्लेन से बाहर ऐसे ये वाली रोटेशन अलाउड नहीं है. सिर्फ बोर्ड के प्लेन के अंदर रोटेशन संभव है, बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर वाली ये रोटेशन संभव नहीं है. हिंज ऐसी जॉइंट होती है. मास एम है रॉड का और लेंथ एल है. रॉड के लेफ्ट वाले एंड पर हमने मास चिपका दिया है, एक छोटा सा पॉइंट मास चिपकाया है. और ये मास जो है इसका साइज तो नेग्लिजिबल है, ये पॉइंट मास है और इसका मास जो है एम है. और रॉड का जो दूसरा वाला एंड है ये एंड यहां देखो, इधर हमने एक पॉइंट मास चिपका दिया 2m. तो एक तरफ m मास चिपकाया गया है, दूसरी तरफ 2m मास को चिपका दिया गया है.
और रॉड यहाँ फिक्स्ड है। इस समय ये रॉड हॉरिजॉन्टल है और रेस्ट पर है। रेस्ट पे ये रॉड है इस समय, इसको इस पोजीशन में हमने कर दिया है रिलीज। अब रिलीज किया है तो देखो यहाँ पर मास जरा ज्यादा है और यहाँ पर कम है, तो जाहिर सी बात है कि ये 2m जो है ये नीचे आएगा और m ऊपर जाएगा, तो रॉड कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट करना शुरू कर देगी। ये रॉड अब एक एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट करेगी, कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रॉड की रोटेशन होने वाली है टू स्टार्ट विथ, और फिर ऑफकोर्स ये कुछ एंगुलर वेलोसिटी गेन करती जाएगी। ये एंगुलर एक्सेलरेशन बाय द वे कांस्टेंट नहीं होने वाली है, जैसे जैसे रॉड रोटेट करेगी एंगुलर एक्सेलरेशन बदलती जाएगी, मच लाइक द रॉड प्रॉब्लम वी हैड डन इन द प्रीवियस वीडियो ऑन द सब्जेक्ट। तो खैर फिलहाल हम उस सब में इंटरेस्टेड नहीं है, फिलहाल हमारा इंटरेस्ट इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करने का है और जो फोर्स हिंज रॉड पर लगा रही है वो फोर्स कैलकुलेट करने में हमारा इंटरेस्ट है। सो दीज आर दी ओनली थिंग्स दैट वी आर इंटरेस्टेड इन एज ऑफ नाउ, इस समय हम केवल ये दो चीजों में इंटरेस्टेड हैं। तो सबसे पहला काम तो ये रहेगा कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लोकेट कर लिया जाए। हालांकि सेंटर ऑफ मास जाने बिना भी हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास को जान लेने से सॉल्यूशन थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास देख लेते हैं कहाँ है। तो सेंटर ऑफ मास देखने के लिए देखो मान लेते हैं ये है एक्स एक्सिस, कलर चेंज करते हैं, ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल वाली और यहाँ ये वर्टिकल वाली डायरेक्शन वाई है और ओरिजिन जो है वो हिंज पर है, हिंज के ऊपर ओरिजिन है ऐसा मैंने मान लिया है। तो अब देखिए सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता करते हैं, पहला काम सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता करना। तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स बार है, कहां आएगा ये आ जाएगा देखिए स्मॉल m और उसका x कोऑर्डिनेट माइनस l बाय 2, फिर रॉड का अपना मास m और रॉड का मास कहां कॉन्सेंट्रेटेड मान ले रॉड के सेंटर ऑफ मास पर, करेक्ट। तो रॉड का सेंटर ऑफ मास रॉड के सेंटर पे मिड पॉइंट पे, यहां ये ओरिजिन है तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया 0, फिर ये 2m और 2m इनटू इसकी क्या दूरी है यहां से l बाय 2, राइट, स्मॉल l हमने लिया हुआ है तो स्मॉल l l बाय 2, ये प्लस l बाय 2 है डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो अब टोटल मास तो हमें पता है m प्लस रॉड का m प्लस ये 2m 4m, तो पूरे सिस्टम का टोटल मास ये 4m डिनोमिनेटर में आ गया। तो x बार क्या आएगा, ये आ जाएगा ये 2-2 हुआ कैंसिल, तो ml और यहां माइनस ml बाय 2, तो न्यूमरेटर में बचा है ml बाय, न्यूमरेटर में बचा है m इंटू एल बाय 2 और डिनोमिनेटर में 4m है तो ये l बाय 8 आ गया है, सेंटर ऑफ मास प्लस l बाय 8 पे है। तो सेंटर ऑफ मास यहां से l बाय 8 दूरी पे है, ये रहा सेंटर ऑफ मास CUM, करेक्ट। तो सेंटर ऑफ मास हमने लोकेट किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें अब इस रोटेशन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कैलकुलेट कर लेना चाहिए, बाद में इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो इस रोटेशन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इस एक्सिस के अबाउट व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया हियर, आई रोटेशन इसे बोल देते हैं। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आने वाला है एम एल स्क्वायर बाय 12, फॉर्मूला है, प्लस ये एम यहां से कितनी दूरी पे है एल बाय 2, तो एम इंटू एल बाय 2 का स्क्वायर दैट इज एल स्क्वायर बाय 4, प्लस इधर 2m
इनटू ये वाले एल बाय टू का स्क्वायर, दैट इज एल स्क्वायर बाय फोर अगेन. तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रोटेशन एक्सिस, डिनोमिनेटर में 12 हमने एल से ले लिया, यहाँ एम एल स्क्वायर कॉमन, एंड व्हाट डू वी गेट हियर, यहाँ आ गया 1 + 3 + 6, सो 10 एम एल स्क्वायर बाय 12, दैट इज 5 एम एल स्क्वायर बाय 6, ये हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया है, राइट. 5 एम एल स्क्वायर बाय 6, ये आया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल गया है, इसी का रिजल्ट हम यूज कर लेंगे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ये वैल्यू हम न्यूटन्स लॉ जब अप्लाई करेंगे तो इस्तेमाल कर लेंगे. अब क्योंकि यहां हमने ऑलरेडी कुछ मेसी डायग्राम बन गया है, तो एक बार फिर से बना के और फ्री बॉडी डायग्राम बना डालते हैं. सो लेट्स ड्रॉ द रॉड अगेन और फिर उसमें एक फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे. ऑफ कोर्स एग्जाम्स में आपको ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में एक ही डायग्राम में सब कुछ कर लेना है, क्योंकि आपको वहां जल्दी जल्दी काम करना होता है. थोड़ी प्रैक्टिस और यू नो डायग्राम्स को एक्चुअली जो क्वेश्चन पेपर में बना होता है उसी पे ये सब करना होता है वहां. तो ये है हिंज. तो अब देखो क्या क्या फोर्सेस हैं इस पर. हिंज के ऊपर एक फोर्स F1 ऊपर की तरफ, देखो ये है ना सेंटर ऑफ मास. तो हिंज की फोर्स के हमेशा दो कंपोनेंट्स लिए जाते हैं, सेंटर ऑफ मास और हिंज को ज्वाइन करने वाली लाइन से परपेंडिकुलर, और सेंटर ऑफ मास और हिंज को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल. तो ये F2 है. और क्या क्या फोर्सेस हैं. टोटल मास क्या है सिस्टम का, टोटल मास है m प्लस 2m प्लस रॉड का m, कुल मिला के हो गया 4m. तो ये जो सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का, यहां पर फोर्स लग रही है 4mg. पूरा वेट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पे एक्ट कर रहा है, ऐसा हम हमेशा मान ही लेते हैं. तो सेंटर ऑफ मास पे वेट एक्ट कर रहा है सिस्टम का, और हिंज पर ये फोर्सेस हैं. हिंज की फोर्स पता लगानी है और एंगुलर एक्सेलरेशन पता लगानी है, दैट इज अवर जॉब इन दिस प्रॉब्लम. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू राइट न्यूटन्स लॉ इक्वेशंस. आई मीन दैट इज ऑब्वियस, न्यूटन्स लॉ वाली इक्वेशंस लिखे जाएंगी. तो देखिए न्यूटन्स लॉ की इक्वेशंस, कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन बना लें, ये पॉइंट फिक्स्ड है और ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है. तो ये जो पॉइंट होगा इसकी क्या लीनियर एक्सेलरेशन आएगी सेंटर ऑफ मास की, वो देख लेते हैं. तो ये जो सेंटर ऑफ मास है इसकी एक्सेलरेशन इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, और ये पॉइंट रेस्ट पे है. तो जो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की आएगी विद रेस्पेक्ट टू हिंज, वही सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड भी आ जाएगी. So, ये जो एक्सेलरेशन आ रही है विद रेस्पेक्ट टू हिंज वही है एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. अब अगर अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है और इसका सर्कुलर मोशन का ये रेडियस, ये हम पहले ही पता लगा चुके हैं एल बाय एट, तो अल्फा इंटू एल बाय एट, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है और एक सेंट्रीपिटल कंपोनेंट आएगा ए सी. पर ये जो सेंट्रीपिटल वाला कंपोनेंट एसी है, हाँ ये जो सेंटर की तरफ एसी वाला कंपोनेंट आप देख रहे हो, ये एसी वाला जो कंपोनेंट है एसी, ये आप देख रहे हैं, ये होना चाहिए ओमेगा स्क्वायर एल बाय एट. लेकिन क्योंकि हमने रॉड को अभी अभी रिलीज किया है तो ओमेगा जीरो है और इसलिए ये जीरो आ गया है, करेक्ट. सो ये सेंट्रीपिटल वाला एक्सेलरेशन कंपोनेंट जीरो है, सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा एल बाय एट है. तो
इक्वेशंस अप्लाई करना शुरू कर देते हैं. पहले रोटेशन वाली इक्वेशन अप्लाई की जाएगी. तो लेट्स फर्स्ट अप्लाई दी इक्वेशन फॉर रोटेशन. तो रोटेशन की इक्वेशन पहले लिखते हैं. ये इक्वेशन क्या आई? देखो, इस पॉइंट यानी सेंटर ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट टॉर्क कितनी है? टॉर्क है 4mg इनटू ये वाला डिस्टेंस जो कि है L by 8. F1 और F2 की टॉर्क्स इस पॉइंट के अबाउट जीरो आ जाएंगी क्योंकि ये फोर्सेस जो हैं इनकी लाइंस ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से पास कर रही हैं. अगर किसी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करती है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट टॉर्क तो जीरो हो ही जाती है, राइट? सो F1, F2 की टॉर्क्स जीरो हो गई, केवल 4mg की टॉर्क है. और कितनी है? 4mg into 4mg की लाइन ऑफ एक्शन का ये डिस्टेंस. अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू I अल्फा. I है 5ml स्क्वायर by 6 into अल्फा. अल्फा कितना? वो तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं. ये लीजिए, तो mm कैंसिल, l कैंसिल, कुछ कैंसिलेशंस होंगे यहां. मैं ग्रीन कलर से कैंसिलेशंस दिखा देता हूं. m कैंसिल हुआ, l का ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. अब आपको अल्फा मिलेगा. कितना आया ये अल्फा? अल्फा आ रहा है 6 into 4. 6 into 4 हो गया 24 G by 5 into 8, 40 L. Correct? 4 से numerator denominator को divide कर लो. ये आ जाएगा, if you divide by 4, you have 6 by 10, that is then 3 by 5, 3 G by 5 L. ये अल्फा आया है. सो वी गॉट अल्फा हियर. अल्फा मिला. अब वंस यू हैव अल्फा, अल्फा अगर आपको मिला है तो नेक्स्ट इस पॉइंट की लीनियर एक्सेलरेशन वो हो जाएगी अल्फा इनटू एल बाय 8. तो एसीएम जो है उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ कोर्स सेंट्रीपिटल वाला तो जीरो है ही. So ACM कितना आ जाएगा? ACM will be how much? Alpha times ACM रहेगा alpha into ये distance जो कि है L by 8. Center of mass का distance यहाँ आप देख ही चुके हो कितना है, L by 8 है. So 3G by 5L into L by 8. So, ये कितना आ जा रहा है? ये आ गया है 3G by 40. तो सेंटर ऑफ मास की जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, सेंटर ऑफ मास की ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आ रही है कितनी? वी जस्ट वर्क दिस आउट. देखिए कितनी आई है, 3G by 40. तो वेरी सिंपल कैलकुलेशन, ACM आ गया. अभी याद रहे F1, F2 बाकी है. अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल F2 फोर्स है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जरा एक्सेलरेशन भी देख लो. एक्सेलरेशन तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो है. तो F2 कितना आ जाएगा? F2 आ गया जीरो क्योंकि फोर्स इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन. फोर्स की कैलकुलेशन हो रही है मास इंटू एक्सेलरेशन, पर हॉरिजॉन्टल वाली एक्सेलरेशन तो जीरो है. तो F2 हो गया जीरो. F2 आ गया. ACM हम कैलकुलेट कर चुके हैं. केवल बचा है अब F1. F1 की कैलकुलेशन कैसे आएगी? वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करके कर देते हैं अप्लाई. तो वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया जाए. देखिए तो क्या इक्वेशन बनेगी? F1 माइनस
4mg या rather क्योंकि acceleration of center of mass नीचे की तरफ है तो इसको पॉजिटिव लेते हैं इसको नेगेटिव 4mg माइनस F1 is equal to 4m into center of mass की downward वाली acceleration ये कितना है center of mass की downward वाली acceleration क्या आ रही है अभी calculate की है ये 3g by 40 तो ये 4 cancel होके 10 रह जाएगा F1 आपको इस equation से मिल गया तो ये F1 क्या आया जी आ जाता है 4mg कॉमन ले लो 4mg into 1 minus 3 by 40 सो ये आ जाता है अगर हम थोड़ा और दूर कैमरा ले जाएं तो ये देख पाएंगे ये मिल जाता है हमको यहां से Let me write it here. कितना मिल रहा है 37mg divided by 10. तो ये आया है F1. Correct? तो जो कुछ भी हम calculate करने चले थे ये सारा कुछ हमने अब कैलकुलेट कर लिया है आई एम प्लेसिंग द कैमरा स्ट्रेटेजिकली फॉर यू टू बी एबल टू टेक ए स्क्रीनशॉट तो अब आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो द प्रॉब्लम इज सॉल्वड वेरी सिंपल एंड येट वेरी एलिगेंट प्रॉब्लम वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम फॉर सॉल्विंग इसमें हमने बहुत कुछ सीखा आई एम श्योर If you were paying attention, तो इस question को solve करने में आप बहुत कुछ सीख पाए हो I'm very very sure of it. तो इसको हम erase कर लेते हैं और next problem अब लेते हैं तो I'm erasing it now. You can of course, since it's not a live class, you can go back to the recording and take a screenshot. तो अगला क्वेश्चन जो है ये भी इसी की तर्ज पर इसी तरह का क्वेश्चन है आई एम जस्ट ट्राइंग टू बेसिकली गिव यू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन सॉल्विंग सच प्रॉब्लम्स इन 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 ए गाइडेड एनवायरनमेंट व्हेन आई एम हियर इससे क्या है कि आपको काफी क्वेश्चंस का एक बार एक्सपोजर मिल जाएगा तो बाद में आप जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा हैंडल कर पाएंगे ये अदरवाइज ये थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है आई एम श्योर यू ऑल अंडरस्टैंड यू नो दिस इट्स एक्चुअली द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर इन योर जेई और नीट करिकुलम जेई और नीट के करिकुलम का सबसे मुश्किल चैप्टर शायद फिजिक्स का तो यही है द अदर सब्जेक्ट्स ऑफ कोर्स हैव देयर ओन चैलेंजेस बट फिजिक्स में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग एक ये चैप्टर आता है दूसरा आई वुड से एट नंबर 2 इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स परहैप्स खैर तो ये हमने अब सीखा एक रॉड वाले केस में कि उसमें हमने अलग अलग मासेस अटैच किए तो रोटेशन हुई ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था अब एक और प्रॉब्लम इसी तरह का बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम हम करने वाले हैं और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जेई में भी आ चुका है इट्स एन ओल्ड जेई एडवांस्ड प्रॉब्लम तो लेट्स टेक दिस अप एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग वंस अगेन देखिए क्या है यहां पर ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ओके ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है और ये जो एक्स वाई प्लेन है ना ये एक्स वाई प्लेन एसेंशियली एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है राइट एक्स वाई प्लेन हियर इज ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस तो
तो ये एक्स वाई प्लेन जैसा कि मैंने कहा एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है और एक रिजिड फ्रेम बनाया गया है तीन रॉड्स को मिला के। इन तीनों रॉड्स की लेंथ एल है और इन रॉड्स के मास जो हैं वो नेग्लिजिबल है। ये जो रॉड्स हैं इनके मासेस नेग्लिजिबल हैं और हर रॉड की लेंथ जो है ये है एल। ईच वन ऑफ दीज रॉड्स हैज अ लेंथ एल एंड दे हैव नेग्लिजिबल मासेस। ये अरेंजमेंट इस हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रख दिया गया है और ऑफ कोर्स ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है। हर वर्टेक्स पर ट्रायंगल के हर वर्टेक्स पर एक एम मास रख दिया गया है। तो ये तीन मासेस हैं जो कि ट्रायंगल के हर वर्टेक्स पर रखे हुए हैं और ये अरेंजमेंट एक स्मूथ let's not say smooth, smooth could very well mean more friction. This is a frictionless horizontal surface. ये एक frictionless horizontal surface है। ये जो point है origin, यहाँ पर एक ये mass है m और यही point पे system को hinge किया गया है। So you have a hinge over here. Origin पे एक hinge है और ये जो सिस्टम है ये केवल इस एक्स वाई प्लेन में ही इसकी मोशन संभव है। ये रोटेट कर सकता है इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट पर ये पॉइंट जो है ये फिक्स्ड रहने वाला है, ये पॉइंट नहीं हिल सकता है, ये हमें गिवन है। सो दिस पॉइंट हियर जहां ओरिजिन पे जो हिंज है तो उस पॉइंट पर हमने फिक्स कर दिया है सिस्टम को। ये पॉइंट को फिक्स कर दिया, सिस्टम को फिक्स नहीं किया। ये पॉइंट फिक्स है और ये सिस्टम जो है रोटेट कर सकता है विद दिस पॉइंट रिमेनिंग फिक्स्ड। अब ये भी गिवन है कि ये जो सिस्टम है ये रोटेट कर रहा है इस वक्त और इसके इस एक्सिस के अबाउट, ये जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। जेड एक्सिस इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। इट इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ऑलराइट, तो इस एक्सिस के अबाउट ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है और यहां सिस्टम का एक ये ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ मास होगा तो वो सेंटर ऑफ मास ऑफ कोर्स एक सर्कल में चल रहा है। ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है सिस्टम और इस समय हमने एक और काम कर दिया कि इधर एक फोर्स लगा दी सिस्टम के ऊपर ऐसे। इस इंस्टेंट पे मैंने एक फोर्स एफ लगाई है। ये फोर्स एफ जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। नाउ बाद में क्या होने वाला है उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट कि जिस इंस्टेंट पे अब ये फोर्स लगाई गई है इस इंस्टेंट पे ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये फोर्स भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं। ये पॉइंट है ओ ओरिजिन ए बी। तो जिस इंस्टेंट पे ये फोर्स लगाई गई है उस इंस्टेंट पे लाइन ए बी एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये फोर्स एफ ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है। अब क्या आपको बताना है, आपको बताना है ये फोर्स लगा देने के बाद ये जो सेंटर ऑफ मास है इसकी एक्सेलरेशन क्या है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट के सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन आपने बतानी है। दूसरी बात जो आप बताएंगे वो ये है कि हिंज जो है वो फोर्स कितनी लगा रही है। तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन और हिंज की फोर्स, ये दो चीजें कैलकुलेट करके पता लगा के आप बताएंगे। ये सवाल है। ओके, नाउ आई हैव अ सजेशन। व्हेन वी आर डूइंग दीज प्रॉब्लम सॉल्विंग काइंड ऑफ सेशंस, तो जो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप सेशंस हम करते हैं
तो जब मैं एक बार ये प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करूं तो वीडियो को रिवाइंड करके ये डिस्क्रिप्शन दोबारा से देखिए. ऑलवेज वॉच दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम ए कपल ऑफ टाइम्स. तो एक बार जरूर इस डिस्क्रिप्शन को देखो और फिर वीडियो को पॉज कर दो और इस क्वेश्चन को खुद एक बार अटेम्प्ट करो मेरे सॉल्व करने से पहले. बिफोर आई सॉल्व द क्वेश्चन यू अटेम्प्ट इट एटलीस्ट वंस. एक बार इसको अटेम्प्ट जरूर करो. इसका फायदा ये होगा कि भले ही आप इसको सॉल्व कर पाओ या ना कर पाओ, अगर कर पाओगे तो आपको बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम अभी एक तौर तरीका सीख गए हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी हो गई है हमारी इस टॉपिक पर. बट अदर देन दैट इसके और भी बेनिफिट्स हैं अदर देन गेनिंग कॉन्फिडेंस. वो ये है कि मान लीजिए आप नहीं भी कर पाते तो कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है. ट्राई करने में, अटेम्प्ट करने में आपको और नहीं तो क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ ही जाएगा. सो प्लीज ऑलवेज व्हेन एवर वी आर डूइंग दीज प्रॉब्लम सॉल्विंग काइंड ऑफ सेशंस वेयर वी आर लर्निंग हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, तो हमेशा क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन दो तीन बार अच्छे से देखिए और फिर क्वेश्चन को अपने आप जरूर कम से कम एक दो बार ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके. एंड अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो okay, not a problem, I'm going to give you the solution soon. And if you're able to solve, then compare your solution with mine. And if you're correct, that's wow. Sometimes, because very often I'm taking slightly challenging problems. So, ab ek baar isko attempt kar lijiye. And hopefully you have paused the video. Now, after you have attempted it, right, after the attempt, come back to the video and see how I solve it. Okay, तो ये जो center of mass है इसकी ये यहां से दूरी क्या है पहले तो यही देख लेते हैं. Let's say ये दूरी है r, तो ये r दूरी जो है इस equilateral triangle का सर्कम रेडियस होगी और ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं. वैसे तो आप लोगों को तो शायद ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से ये फॉर्मूले की तरह याद होगा, मुझे तो नहीं याद है. तो ये है L by 2, right? ये R और ये पूरा एंगल जो है 60 डिग्री है, तो ये उसका आधा 30 डिग्री. तो ये L by 2 ये वाली लेंथ और ये R, तो L by 2 डिवाइडेड बाय आर कितना है, यह है cos 30 और cos 30 होता है रूट 3 बाय 2. तो आर कितना आ गया, आर आया एल बाय रूट 3. तो सर्कम रेडियस जो ये आर है ये आ गया है एल बाय रूट 3. अब अगर ये बॉडी ओमेगा से घूम रही है तो सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन है इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट. अब देखिए ये जितने भी अब तक के हमने प्रॉब्लम्स देखे हैं रोटेशन एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट होती हुई हमने देखी है और इन प्रॉब्लम्स में एक एडवांटेज हो जाती है कि जिस पॉइंट के अबाउट मोशन हम स्टडी कर रहे हैं वो पॉइंट फिक्स्ड है. इसके फिक्स्ड होने से क्या होता है, अगर हम इस पॉइंट की एक्सेलरेशन स्टडी करते हैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो इस पॉइंट की जो एक्सेलरेशन, ये जो सेंटर ऑफ मास है इसकी एक्सेलरेशन पॉइंट ओ के अबाउट जो आएगी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ जो आएगी वही इसकी एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी होगी क्योंकि पॉइंट ओ खुद रेस्ट पे है ना. तो अब देखो जी इसकी एक्सेलरेशन दो कंपोनेंट्स रहेंगे, एक तो इस तरफ ये है ओमेगा स्क्वायर आर, राइट, ये वाली कंपोनेंट ओमेगा स्क्वायर आर, आर कितना है एल बाय रूट थ्री. सो ओमेगा स्क्वायर एल बाय रूट थ्री, ये तो सेंट्रीपिटल वाला कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा अल्फा इनटू आर, आर कितना अगेन एल बाय
आर कितना है, फिर से एल बाय रूट थ्री है, करेक्ट। तो एक्सेलरेशन के ये दो कंपोनेंट्स आ गए। अब बिकॉज द डायग्राम इज गेटिंग वेरी मेसी, मैं एक बार फिर से बना देता हूं और उस नए डायग्राम में मैं फोर्सेस शो कर दूंगा। तो ये देखिए दूसरा डायग्राम जिसमें अब हम फोर्सेस देखेंगे। तो फोर्सेस क्या क्या हैं बॉडी के ऊपर, इस रिजिड बॉडी पे जो फोर्सेस लग रही हैं, उनमें से एक तो है ये एफ जो इधर लगाई गई है हमारी तरफ से। फिर हिंज पे फोर्सेस होंगे। अब ये सेंटर ऑफ मास है, यहाँ हिंज है, तो हिंज की फोर्स का एक कंपोनेंट सेंटर ऑफ मास और हिंज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग एफ वाई ये हो गया, और दूसरा कंपोनेंट इस लाइन से परपेंडिकुलर एफ एक्स हो जाएगा। तो हमें किस किस क्वांटिटी के लिए सॉल्व करना है, अल्फा के लिए सॉल्व करना है, एफ वाई और एफ एक्स इनके लिए सॉल्व करना है। तो आई गेस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन शायद पहले पूरा ही नहीं हुआ था, मैंने आपको पहले ही वीडियो पॉज करके करने के लिए बोल दिया। तो मेरे ख्याल से अब वीडियो को पॉज करके आप एफ एक्स एफ वाई और अल्फा के लिए सॉल्व करके एक बार अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अस्यूमिंग कि आपने वो कर लिया है, अब हम फाइनल कैलकुलेशंस करके देखते हैं। याद रहे सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, इस डायरेक्शन वाला है अल्फा एल बाय रूट थ्री और इस डायरेक्शन में है ओमेगा स्क्वायर एल बाय रूट थ्री। इस सब के अलावा एक छोटी सी बात और हम ध्यान रखें, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन आई रॉट। देखिए पॉइंट मासेस का अरेंजमेंट है वो, तो एम आर सिग्मा एम आर स्क्वायर आ जाएगा। इस मास का डिस्टेंस तो जीरो है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो आ गया। इसका डिस्टेंस ये एम है और इसका यहां से ये डिस्टेंस एल है, तो एम एल स्क्वायर प्लस इसके लिए फिर से एम एल स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 ml स्क्वायर है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब हम अपनी न्यूटन्स लॉ की इक्वेशंस बना डालते हैं। लेट्स राइट अवर न्यूटन्स लॉ इक्वेशंस नाउ। तो न्यूटन्स लॉ की जो इक्वेशंस बनेंगी कैसे कैसे, देखो इस पॉइंट के अबाउट न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन पहले लिखते हैं। नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई रॉट, टॉर्क इज इक्वल टू टाउ रॉट इज इक्वल टू आई रॉट अल्फा, ये वाली इक्वेशन। तो ये इक्वेशन इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या आएगी, एफ एक्स और एफ वाई की टॉर्क तो है जीरो, सिर्फ एफ की टॉर्क रह जाएगी। तो एफ इंटू एफ की लाइन ऑफ एक्शन का यहां से डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस ये कितना है, ये देखो ये है एल और ये 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा एल एल साइन 60, तो एल इंटू रूट थ्री बाय टू। तो एफ इंटू एफ की इस लाइन ऑफ एक्शन का ये डिस्टेंस जो कि है एल रूट थ्री बाय टू, और ये किसके इक्वल है, I अल्फा के इक्वल है। I कितना है इस एक्सिस के अबाउट, 2 एम एल स्क्वायर I अल्फा, ओके। और अल्फा तो ऑफ कोर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये कुछ कैंसिलेशन होगी, L तो कैंसिल हो जाएगा, एक ये L और ये L का स्क्वायर इधर कैंसिल हो गया। अल्फा क्या आया, अल्फा आ गया इधर 4 हो जाएगा, तो f इंटू रूट थ्री बाय
4mL, ये अल्फा आ गया, और सेंटर ऑफ मास की जो ये वाली एक्सेलरेशन है एक्स कंपोनेंट, ये कितना आ जाएगा, अल्फा आ गया एफ इंटू रूट थ्री बाय फोर एम एल, तो ये अल्फा एल बाय रूट थ्री, यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ए एक्स सी एम, ये अल्फा एफ रूट थ्री बाय फोर एम एल इंटू एल बाय रूट थ्री, करेक्ट, रूट थ्री कैंसिल हो गया, तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट क्या आ गया, एल और एल तो कैंसिल हो गया, रूट थ्री भी गया, सो वी आर लेफ्ट विद एफ बाय फोर एम, तो ये जो है ये वाला कंपोनेंट एक्सेलरेशन का एफ बाय फोर एम आ गया है, और अल्फा आ गया है एफ रूट थ्री बाय फोर एम एल। अब एफ एक्स और एफ वाई कैलकुलेट करने की बारी है, तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एफ प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम, एफ प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम जो कि है 3m इनटू acm, acm कितना है x डायरेक्शन के अंदर, acm कितना है f बाय 4m, तो mm कैंसिल हुआ, f प्लस fx कितना आया 3f बाय 4, सो fx क्या आएगा, यह आ गया माइनस f बाय 4, तो माइनस f बाय 4 का क्या मतलब, माइनस आने का मतलब यह है कि ये जो डायरेक्शन हमने अस्यूम कर ली थी, गलत अस्यूम कर ली थी, इसके ऑपोजिट है ये, पर मैग्नीट्यूड तो ऑफ कोर्स f बाय 4 ही रहेगा, और fy का क्या, fy कितना आने वाला है, fy जो आएगा ये देखो, fy विल बी इक्वल टू हाउ मच, फोर्स fy जो फोर्स है ये होगी टोटल मास 3m इंटू y कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो कि है ओमेगा स्क्वायर l बाय रूट थ्री, तो fy कितना आ गया, fy आ गया है रूट थ्री एम ओमेगा स्क्वायर l, तो ये आ गया है fy। तो आपने देखा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था जो जेई में आया, इसमें सारे बेसिक आइडियाज एक्सप्लोर कर लिए इन्होंने, बहुत दिमाग लगा के क्रिएट किए गए प्रॉब्लम्स होते हैं ये जेई एडवांस्ड में खासकर, और अगर आप इन प्रॉब्लम्स को बेसिक तरीके से सोच करके करें तभी आप इन्हें कर सकते हैं, इनके लिए कोई जुगाड़ू टेक्निक्स या फॉर्मूले आप याद रख के करने की कोशिश करेंगे तो इन क्वेश्चंस को आप नहीं कर पाएंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हमने अब कर ली है, होपफुली आपने एक स्क्रीनशॉट भी ले लिया है, यू सर्टेनली हैड द अपॉर्चुनिटी, तो अब हम इस वीडियो को यहाँ पर रोकेंगे। आई थिंक वीव हैड अ फेरी लॉन्ग डिस्कशन ऑन द टॉपिक नाउ, तो अब ये काफ़ी लंबी डिस्कशन हो गई है, इसको अब यहीं रोकते हैं। The two problems that I have given are worth spending a few more hours on. तो इन particular questions पर थोड़ा और समय अभी लगाओ, इनको बहुत अच्छे से examine करो, इन problems को solve करने में बहुत से ideas, जो भी कुछ इस chapter में अब तक सीखा है सब कुछ यहाँ उसका सार तत्व आ गया है। So इन problems को बहुत अच्छे से देख कर study करो, मेक श्योर आपको ये कंप्लीटली प्रॉपरली क्लियर है। सो विद दैट वर्ड ऑफ एडवाइस आई विल एंड दिस लेक्चर, एंड लाइक इन मोस्ट वीडियोस राइट एट द एंड आई विल सजेस्ट दैट यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस, यू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल,
and do hit the bell icon so that every time I upload one of these lectures, you get a notification and you know what topic has been covered. So bye-bye for now. All the best. Have fun and enjoy your learning. Like always. Bye-bye.